तो हम पहुंचे थे और पहुंचते ही हमें सरप्राइज मिल गया कि हमारी हेडलाइट जो है लग चुकी है। अब यानी दो ही चीजें रहती है। बेस्ट मीना, बेस्ट मीना, बेस्ट मीना। ये ना मोहित है, ये हमारे ना टीम मेंबर में से एक है। तो आज ना ये स्कूटी लेके गया था, मैं तो सिरसा गया था कल। क्या हुआ तेरे साथ भाई? बहुत सीन तगड़ा हो गया मेरे साथ। क्या हुआ? सब्सक्राइबर ने मेरे को भाई डरा दिया, ढीला कर दिया मेरे को एकदम। एक मिनट में मैं सब पसीनों में कर दिया मेरे को। क्या करा? अरे मैं घर से निकला बुराड़ी भाड़ की साइड से, नेक्स्ट हरिदेव नगर आया, तो वहां से एक पोलो रेड कलर की मेरे पीछे लग गई। तो मेरे को ये था कि भाई चल होंगे कोई ऐसे ही, क्या हो गया, रोड है एक ही सीधा जा रहा है। तो भाई मरगट वाले बाबा मंदिर है, रेड लाइट पे मैं रुका और एकदम मेरे आगे लगा दी। और आते ही मेरे से बोला राघव लोग, नहीं भाई जरा स्कूटी तो उसी की है। फिर मैंने कहा यार भाई स्कूटी चला रहा हूँ तो जरूरी थोड़ी राघव, हेलमेट उतार। मैंने ठीक है मैंने ये ले। फिर कह रहा नंबर दे दे चल उसका, मैंने नंबर नहीं है मेरे पास। फिर कह रहा अच्छा फिर बोल देना सब्सक्राइबर है उसके। मैंने ठीक है भाई, वो फिर निकल गया भाई। नहीं वो डायलॉग बता जो तूने उसको वही तो बढ़िया है। क्या बोला? भाई ठीक है सब्सक्राइबर है, फाड़ क्यों रहा है मेरी? गाइस देखो बढ़िया था, कुडोस टू दोस पोलो वाले बंदे भाई, मजा आ गया नंबर। अब जैसा सीन इसके साथ हुआ ना, ऐसी ऐसी एग्जैक्ट मेरी भी फटी थी। कब? जब हम रोड ट्रिप यूनाइटेड पे थे और हम जो है बिहार को एग्जिट कर रहे थे, किसके लिए? कोलकाता के लिए, मतलब वेस्ट बंगाल के लिए। सेम मेरी बड़ी थी क्योंकि मैं हायाबुसा पे था, सबको लगा हायाबुसा पे जेएस पाजी है। मैं सीधी सीधी चला रहा था, मेरे पीछे एक स्विफ्ट लग गई थी सेकंड जनरेशन, और मेरे को पता मैंने हायाबुसा रात को कैसी भगाई है। मेरे को लगा भैया ये बिहार में कुछ होने वाला है, क्योंकि मैं पहली बार गया था। पहले जो किससे सुने आई डोंट नो अबाउट दी थिंग्स, ठीक है। मैं घुसा भाई, मैंने जो टोल तक बाइक भगाई है, मेरे को पता है क्या सीन था। और ये सेम सीन मेरे साथ हुआ, फिर मैं टोल पर रुका और दे सेड अरे जेस फिल्म। मैंने कहा नहीं भाई राघव लोग, क्या तुम आ रहे हो बेचारे थार में भाई मिल लियो। पर मैं फटाफट से वहाँ से, सेम सीन मेरे साथ हुआ। ओके सो आज का ब्लॉग का मोटिव है, आज हम जा रहे हैं अपने लिए राइडिंग गियर देखने। हमें जो है करोड़बाग भी जाना था, कहाँ गौरव भैया से मिलने, चोपड़ा ऑटोमोबाइल, बट सेठ जी आए लेट तो हम इनकी वेट करते करते लेट निकले। तो हम सबसे पहले नारायणा जाएंगे करनी है, बिकॉज गियर्स में इन्वेस्टमेंट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट जो कि मैं समझता हूँ राइडिंग के लिए। और हेलमेट भी अभी हम सब देखे हैं, सब देख के जाए कुछ लेदर की क्वालिटी का चाहिए, मतलब बेस्ट क्वालिटी जो है। मैं अभी लग नहीं है सिमरन भाई के स्टोर पे। ऑफ कोर्स जैसे कि आप लोगों को दिखा, ओके सो ये पैंट मैंने चूज करी है। इसका सबसे बड़ा फायदा इस पैंट का क्या है, बाइकर आती की है ये कि भैया इसमें ना हिप का भी प्रोटेक्शन है। भैया मेरे हिप में सबसे पहले लगी थी रायनॉक्स की पैंट, हिप में का इशू था। तो ये हमने जो चूज करी है, एक ये और एक ये शूज फोर्जा। बट इसमें पॉइंट ये है, मेरे को चाहिए ये वाला कलर, ये वाला भी देखते हैं मिलता है या नहीं। नहीं यार अगर 1% भी नहीं हो ना, मैं ब्लैक तो नहीं लूँगा, वो आई थिंक 10,000 रुपये ऊपर है, मैं उसको आग बंद करके ले लूँगा। दोज आर लुकिंग सो डैम गुड। और मैं शूज़ पे, मैं चाहता हूँ मैं अपने गियर्स में सबसे ज़्यादा शूज़ पे खर्चा करूँ, बिकॉज ऑफ कोर्स जो मेरी फुट का हाल है आप समझ सकते हो, ठीक है, लेग का हाल है। सो दिस अभी देखते हैं इसमें होता है या नहीं। द नेक्स्ट डे
और जितने लोग मेरे चैनल पर नए हैं या फिर जिनको आज तक पता नहीं है, हमने जो है एक प्यारा सा रैबिट भी पाल रखा है, इसका नाम है चिंका। क्योंकि हमारे पास 2014 या 15 में थी चिंकी, ठीक है। उसके बाद जब मैं रोटर बनाड पे गया था, उसके बाद बहन घर पे ले आए थे, वो मेरे को घर आ गए, सरप्राइज मिला था। तो ये इसका छोटा सा रूम है, मतलब खाचा टाइप मान लो। यहाँ पे दीवार भी खाती है, कभी कभी धनिया खाती है, कभी कभी अंदर भी घुस जाती है। गन तो बोरा मचा के रखते हैं भाई, हम इसको नीचे नहीं छोड़ते क्योंकि इसका मतलब ये खाती है उससे ज़्यादा निकालती है, ऐसा सीन है। और तो अभी हम जा रहे हैं करवा बाग, क्योंकि आज या कल में हम बाइक का फाइनल टच दे देंगे। उसके बाद एक तो इंश्योरेंस और फाइनल रैप करके उसे संडे तक ले आएंगे। इस ब्लॉग में अनाउंस करूँगा कि क्या लगता है कि कब तक आएगी, मतलब आनी तो संडे को चाहिए, बट मेरी जो पेमेंट है वो एक दो पेंडिंग है, वो आएंगी तो ऑफकोर्स तभी मैं पे कर पाऊँगा और मैं बाइक ले पाऊँगा, ये वाला सीन है। फटाफट से करवा बाग पहुँचते हैं, बाइक पर थोड़ा सा काम करवाते हैं क्योंकि थोड़ा सा ही रहता है, और उसके बाद वापस आ जाते हैं। तो हम पहुंचे थे और पहुंचते हमें सरप्राइज मिल गया कि हमारी हेडलाइट जो है लग चुकी है। अब यानी दो ही चीज़ें रहती हैं पूरी बाइक में, कुछ नहीं रहता। एक विंडशील्ड, ठीक है, वो भी आ गई है, बस फिटिंग करके रेडी करके लगानी है। और एक है नीचे विंगलेट, दो चीज़ें रह गई हमारी बाइक में और हमारी बाइक पूरी रेडी हो जाएगी ऊपर से नीचे तक। पे एक और मॉड करवा दिया गया है, वो करवा दिया गया है कैमल फीट लगवा दिया हमने इस पे, और मेरे को बहुत पसंद है ये चीज़ एक्सेसरीज ना, बाइक कहीं धसती नहीं है अगर मैं कहीं पे भी इसको लगाऊं। और हमने जो है ये बार एंड लेवर प्रोटेक्टर भी लगवा दिए हैं इसमें, पता नहीं क्या और मेरे जवान को इसका ना वो ऑरेंज था, तो हमने ब्लैक करने के लिए छोड़ा है और अभी उसको हम वो लगा देंगे। तो आगे से तो बाइक ऑलमोस्ट कम्प्लीट है, बचा ही नहीं है, बस एक चीज़ रह गई, ये मोबाइल माउंट रह गया जो कि यहाँ पे लगा है, जैसे हमने लद्दाख वाली सीरीज़ में करा था ना, वो रह गया, वो चीज़ हो जाएगी, फिर बाइक 101% कम्प्लीट हो जाएगी। होपफुली उसका जो माउंट का सीन है ना वो मैं कर ले आऊँगा इसके लिए। ओके, सो फाइनली हमारी बाइक फ्रंट से पूरी की पूरी रेडी हो चुकी है, मिरर्स आ गए हैं हमारे, ठीक है, स्टॉक वाले। प्यूज की विंडशील्ड ये आई थिंक रेप्लिका है, जो मैंने लद्दाख राइड के लिए मंगवाई थी वही हमने लगाई है, ठीक है। इंडिकेटर्स आ गए हैं, ये मोटो किंग के इंडिकेटर्स हैं, लाइट आ गई है केटी की, और पूरा लुक परफेक्टली है, आगे का तो डन है। नाउ द ओनली थिंग लेफ्ट वो एग्जॉस्ट, बस एग्जॉस्ट लग जाएगा हमारी बाइक पूरी रेडी हो जाएगी। और या दिस इज़ अवर पैंथर गाइस, फुल ब्लैक, ये थोड़ा सा ग्रे मामला है इसमें जस्ट फॉर द इंश्योरेंस, ठीक है, बाकी फुल ब्लैक। ओके, सो सीन ऐसा है कि लास्ट चीज़ जो बची है वो एग्जॉस्ट नहीं है, वो टायर्स भी है, मतलब दो चीज़ें और बची है, दो तीन चीज़ें बची है भैया, और भी अभी निकलती रहेंगी। सो अभी हम फटाफट से करो बैग जा रहे हैं, अलॉय उठा के अपन जाएंगे रिहान भाई पे, किसके लिए, टायर्स के लिए, और ये हो जाएगा। होपफुली हम बाइक जो है संडे को ले रहे हैं, तो बी रेडी गाइस, फ्राइडे यानी परसों रात तक मैं अनाउंस कर दूंगा फाइनल डेट क्या है, बस मैं पेमेंट के चक्कर में रुका हूँ भाई, मैं ये नहीं चाहता कि हम संडे को डिलीवरी भी ना ले पाए, मतलब या देखो दूसरी चॉइसेस हमेशा डिलीवरी के रहे, डिलीवरी लो और क्या बोलते हैं वापस खड़ी कर दो, मीटअप वीटअप करें, नहीं डिलीवरी लेनी है और घर बाइक लेके आनी है, ऐसा वाला सीन है। तो अभी टायर फटाफट लग जाएंगे और हम जो है होपफुली संडे को बाइक ले लें। तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो यहाँ से, क्योंकि फर्स्ट अनाउंसमेंट मैं उधर ही करूँगा, बाकी कम्युनिटी पोस्ट में डाल दूँगा और एक छोटा सा अपडेट डाल दूँगा मैं शॉर्ट्स के लिए, मतलब यहाँ पे चैनल पे, तो मैं अपडेट कर दूँगा फ्राइडे को, व्लॉग आए या नहीं मेरे को नहीं पता, तो प्लीज़ डू ज्वाइन मी, बिकॉज मेरे लिए उससे बड़ा दिन कुछ नहीं हो सकता भाई, कुछ नहीं हो सकता, नो, न, न, हाँ प्लीज़।